झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर से भरा एक ट्रक सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर जो हेल्पर था बुरी तरह से उसके अंदर फंस गया। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से ट्रक को काटने का काम किया और दोनों को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण हादसा हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर, चालक और परिचालक दोनों वहां पर फंस गए। सिद्धार्थ पाठक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, किस वजह से यह हादसा हुआ? एक्चुअली बताना चाहूंगा कि NH-25 पर एक ट्रक खड़ा हुआ था कानपुर की ओर से उरई के लिए, एक दूसरा ट्रक जिसमें इंडियन गैस सिलेंडर भरे हुए थे। एकाएक आया, ड्राइवर नशे की हालत में था, उसने इतनी जबरदस्त खड़े हुए टक्कर मारी ट्रक में कि वो रॉन्ग साइड गया। इसके बाद ठंडे टाइम पुलिस मौके पर पहुंचती है और ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनको बड़ी मशक्कत के साथ निकाला गया। तो पुलिस ने शराबी ड्राइवर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको? तो शराबी ड्राइवर को तुरंत जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया था जिसकी हालत गंभीर होने से उसे झांसी रिफर कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भीषण हादसा हो गया, गैस से लदा एक वहां पर ट्रक खड़ा था और शराबी ने दूसरी गाड़ी उसमें ठोक दी। चालक और